Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics of chapter current electricity, that is meter bridge. It is the most important topic and meter bridge जो है आपका एक practical topic है, आपको इसको practical भी करना है, ठीक है, lab में. तो आज meter bridge के बारे में discuss करते हैं. तो सबसे पहले first, what is a meter bridge? Meter bridge basically एक टाइप का एक resistance bridge है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो इट इज अ सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल अरेंजमेंट और एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय विच वी कैन बी कैलकुलेट द अननोन डिस्टेंस और यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर, ठीक ना. तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, जब का मीटर ब्रिज है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी हमारे पास एक वायर है, उस वायर का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो किसी भी वायर या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं. तो मीटर ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज के व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का एडवांस वर्जन है. तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक ना, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सिंपल सा है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. एट अ बैलेंस्ड कंडीशन में भी पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. तो यहां पे ये जो बैलेंस कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन मीटर ब्रिज पे भी हम अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये पूरा लैंग्वेज है. देखिए, कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है. उस लकड़ी के बोर्ड पे दो जो है एल आकार की, जो एल शेप का आपको दिख रहा है, ये एल शेप का एक सिल्वर का या तांबे का जो है आपका क्या होता है, स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक ना. इसकी थिकनेस जो है ज्यादा रखी जाती है, जो स्ट्रिप्स हम यूज करते हैं तांबे का, उसका जो थिकनेस है वो हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स हो गए हैं. तो इसमें देखिए, सिंपल सी ये स्ट्रिप, इसलिए हम थिकनेस मतलब मोटा, ज्यादा मोटा रखते हैं इसलिए, क्योंकि हमें पता है इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अगर एरिया हमारा ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. तो कॉपर का स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रिप की थिकनेस इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि इस कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस जो है कम से कम हो, और उस रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है आपके इस मीटर ब्रिज पे ना पड़े. तो इसलिए हम कॉपर का जो स्ट्रिप है वो ज्यादा थिकनेस का रखा जाता है. तो एल शेप की थिकनेस, एल शेप की दो कॉपर स्ट्रिप को यहां पे हम क्या करते हैं, लकड़ी के बोर्ड पे उसको फिट कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट एक और स्ट्रिप को इन दोनों के बीच में कुछ गैप रखते हुए एक अनदर स्ट्रिप को यहां पे हम फिक्स्ड करते हैं. एक वायर लेते हैं, लेट्स से एसी इज अ वायर. यहां पे वायर के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं. ये जो एसी वायर है वो किसका है, मैग्नीन का है या कॉन्स्टेंटन का है. मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, एंड जो आपका टेम्परेचर
इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस जो है उसमें इंक्रीजिंग बहुत कम होता है, तो इसलिए हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का वायर यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये जो वायर होता है आपका 1 मीटर का वायर है, यहाँ पे ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का एक हम वायर यूज करते हैं, और इस वायर को जो है एक यहाँ पे मीटर इसके लगा होता है, उस मीटर स्केल के साथ इसको फिक्स्ड कर देते हैं। क्लियर है? तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट आता है इसका सर्किट। जब हम प्रैक्टिकल को इसको करेंगे तो उसमें सर्किट किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, तो सर्किट के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दो गैप है कॉपर स्ट्रिप के बीच में, जो दो गैप है ए बी एंड ए डैश, सॉरी ए वन बी वन के बीच में जो गैप है, तो इस गैप में एक गैप में हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, एंड दूसरे गैप में एक हम अननोन रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ए बी के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस को ए डैश बी डैश के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, एंड एक बैटरी को एक रिएस्टोर एंड एक की हेल्प से ए एंड सी के जो वायर हमारा ए सी, तो ए एंड सी के क्रॉस क्या करते हैं इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहां पे जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं इसका वर्किंग होता है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उस करंट को ये क्या करता है, उस करंट को ये आपका रिड्यूस करता है। अगर हमें करंट एडजस्ट करना सर्किट में तो उस कंडीशन में हम रजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर करंट ज्यादा होगी सर्किट में, हमें करंट को रिड्यूस करना है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टर का यूज किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, जो कॉपर स्ट्रिप्स है ए एंड बी, इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, जो A1B1 है गैप A1B1, इसके क्रॉस एक अननोन रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड आफ्टर दैट एक बैटरी को एक की एंड एक रेजिस्टर की सहायता से की हेल्प से हम क्या करते हैं जो वायर है ए एंड सी इसके क्रॉस क्या करते हैं इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी की हेल्प से बी एंड डी पॉइंट के बीच में क्या करते हैं इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनता है मीटर ब्रिज का। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहले वर्किंग आता है किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग सर्किट डायग्राम के बाद अब आते हैं वर्किंग। अब यहां पे हमें क्या करना है बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करना है। बैलेंस कंडीशन को कहते हैं नल पॉइंट। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करना है नल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहां पे जो मूवेबल जॉकी है, ये मूवेबल है जॉकी, इस जॉकी मतलब जस्ट पेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है ना, इसको जैसे ये मेटल का पेन हो गया, ऊपर इंसुलेटिंग की कोटिंग होती है, अंदर से एक वायर होता है। ठीक है ना, अब इस जॉकी को हम यहां पे कहीं पे भी क्या कर सकते हैं स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मूवेबल जॉकी को इस वायर एसी पे हम स्लाइड करके एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, उस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर में किसी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इट मींस दिस इज कॉल्ड एस नल पॉइंट। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम नल पॉइंट कहेंगे। तो यहां पे जॉकी को हम क्या करेंगे इस वायर एसी पे धीरे धीरे क्या करेंगे स्लाइड करेंगे। जैसे धीरे धीरे इसमें स्लाइड करेंगे तो उस कंडीशन में लेट्स से कि बी पॉइंट पे हमें क्या मिलता है नल पॉइंट मिलता है। जो बी पॉइंट हो जाएगा हमारा, बी पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें नल पॉइंट मिलेगा। अब इस नल पॉइंट का जो लोकेशन है इसके साथ जो मीटर स्केल लगा होगा एसी वायर के साथ, यहां पे 1 मीटर का जो मीटर स्केल लगा होगा, उस मीटर स्केल की हेल्प से हम इसकी पोजीशन को क्या करेंगे रीड कर लेंगे। ठीक है, एंड लेट्स से कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है कितना है L है, एंड बी से सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा क्योंकि 100 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये L हो गया, तो ये 100 माइनस L हो जाएगा। 100 माइनस L, देन ये जो वायर होगा ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, जो हमारा एसी वायर है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। जैसे ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा तो एक पार्ट का अपना एक रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड P, एंड दूसरे पार्ट का एक रेजिस्टेंस होगा लेट्स से ये Q है। ठीक है, तो एट नल पॉइंट और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब पी अपॉन क्यू कैलकुलेट करना है,
तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू सिग्मा। हम इसके लिए लेट कर लेते हैं कि जो हमने वायर यूज किया है, इस वायर का जो पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, सिग्मा है ओम पर मीटर। देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबी, जो हमारे पास एबी वायर है यहां पे इतना जो लेंथ है, इस एबी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा पी, एंड दैट इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना जाएगा, दैट इज एल इनटू सिग्मा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर बीसी, जो हमारे पास बीसी वायर मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है बीसी, इस बीसी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस एल इनटू सिग्मा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है, तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल। क्लियर है? नाउ पी अपॉन क्यू, तो यहां से पी अपॉन क्यू कैलकुलेट अगर करेंगे यहां से, देन एल अपॉन एल इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल इनटू सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, देन एल अपॉन 100 माइनस एल, 100 माइनस एल एट बैलेंस कंडीशन। अब इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे आर ठीक ना, और यहां पे इसका रेजिस्टेंस हम लेट कर लेते कितना है एस है, देन एट बैलेंस कंडीशन देन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, देन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपॉन एस। देखो यहां पे s कैलकुलेट करना है, देन s इज इक्वल टू जो r 100 माइनस l बाय l, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिकल हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे r, इसका वैल्यू भी पता होगा, नल पॉइंट की लोकेशन कैलकुलेट कर लेंगे l, अगर l कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां इस वाले इक्वेशन में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, s मिलेगा। तो s यहां पे क्या हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, तो इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि जब हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे, ये हमारा मीटर डिश का जो प्रैक्टिकल करेंगे, इस प्रैक्टिकल के टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है, किस तरीके के हमें यहां पर प्रिकॉशंस रखने हैं। तो फर्स्ट प्रिकॉशन ये होगा कि इस सर्किट को जब भी हम यूटिलाइज करेंगे, इसका जब भी हम यूज करेंगे तो इसमें करंट जो है बहुत कम टाइम तक हमें फ्लो करा है। ऐसे नहीं कि हम कुछ और काम कर रहे हैं और सर्किट को ऑन करके हमने छोड़ दिया, तो होगा क्या, सर्किट को जैसे ऑन करके छोड़ देंगे 10 या 15 मिनट के लिए, तो रेजिस्टेंस जो वायर है यहाँ पे ए सी जो माइग्रेन है कॉन्स्टेंट का है, तो ये जो वायर है वो क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा। जैसे बहुत जल्दी ये हीटअप होगा, तो हीटअप होने से, गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका, उस रेजिस्टेंस को हम इस एक्सपेरिमेंट के इस कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी इस सर्किट को हम यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम तक हम इसको यूज करेंगे, जैसे यूटिलाइजेशन हो जाए, जैसे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा, हम सर्किट को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन ये रखना है कि जब भी हम इस जॉकी को एसी वायर पे हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो बहुत दबा के स्लाइड नहीं करना है यहाँ पे, ये नहीं कि बहुत दबा के हम इसको स्लाइड कर रहे हैं ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर दबा के अगर स्लाइड करेंगे वायर पे, तो वायर जो है घिस जाएगा, और कहीं वायर जो है आपका मोटा हो जाएगा, कहीं वायर आपका पतला हो जाएगा, मतलब कहीं उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, कहीं उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, इससे क्या होगा इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ज्यादा जो कहीं कम हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपके जो कैलकुलेशन होगा, आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा ठीक है। तीसरा प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो कोशिश हमेशा हमारी ये रहेगी कि हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसके लिए जो नल पॉइंट है वो लगभग लगभग कहां है,
मिडिल पॉइंट पे आए, ठीक है, क्योंकि नल पॉइंट अगर मिडिल पॉइंट पे आएगा तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा, आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें एरर जो है कम से कम रहेगा। तो एरर को कम से कम रखने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक ऐसा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए नल डिफ्लेक्शन कहां पे है, मिडिल पे है। ठीक है, अगर मिडिल पे आएगा तो आपका कैलकुलेशन एग्जैक्ट होगा, उसमें एरर बहुत कम होगा। क्लियर है? तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उसके लिए आपको इसमें रखना है, प्रिकॉशंस रखना है। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन बीटीस्टोन, सॉरी मीटर ब्रिज। ठीक है, बीटीस्टोन ब्रिज हमने करा तो उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ मीटर ब्रिज के भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं तो टॉपिक हमारा ये फिनिश हो जाएगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मीटर ब्रेस वायर एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm सेंटीमीटर, 1 ohm सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ohm है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x and the current draw from the battery of the negligible internal resistance। ठीक है, तो बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। ये लेट करने के लिए कह रहे हैं कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट से वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। नाउ यू कैन सी हियर दैट वी हैव गिवन 2 रेजिस्टेंस और इसके साथ यहां पे एक वायर है, ठीक है, और यहां से एक एल्यूमिनेटर कनेक्टेड है और ये जो है आपका यहां पे कहीं नल पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक, ये आपका एक्स है, ये कैलकुलेट करना है, ये 6 ओम का है और जो नल पॉइंट आपको मिल रहा है ये आपका 40 सेंटीमीटर, ये आपका 60 सेंटीमीटर पे है और ये जो आपका यहां पे एक बैटरी कनेक्ट है, क्या है, एक बैटरी कनेक्ट है, बैटरी का जो वोल्ट है ये 6 वोल्ट का है, इस वोल्ट का 6 वोल्ट का है। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स सी, अब यहां पे आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ohm per centimeter है। ठीक ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 ohm है, कितना, 1 ohm, then A, B और ये C। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, जो हमारे पास AB वायर है, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस कितना है, P है, then P is equal to 40 सेंटीमीटर, 40 ohm हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 1 ohm है तो 40 सेंटीमीटर कितना है, 40, and Q is equal to इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से Q है और Q is equal to 60 ओम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका बैलेंस कंडीशन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज एट द बैलेंस कंडीशन। अगर ये बैलेंस कंडीशन में तो x कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये आपका r है, ये आपका s है, ठीक है, देन p upon q is equal to r upon s, then p upon q 40 by 60 is equal to rx by 6, इसे इसको डिवाइड कर देना 10, 10 से इसको डिवाइड कर देना 4, then x equal to 4 ohm, जो का x है unknown resistance है वो कितना जाएगा, 4 ohm का जाएगा। अब next कह रहे हैं कि इस बैटरी से हमें कितना करंट मिलना है, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट हमें कैलकुलेट करना है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके लिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लेंगे, सीरीज में, ठीक है, तो आर एंड एस का जो रेजिस्टेंस जो है आर डैश That is equal to 4 plus 6 is equal to 10 ohm. इन दोनों को भी सीरीज में जोड़ देंगे क्योंकि नल रिफ्लेक्शन है, करंट इसमें जीरो होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों सीरीज में जाएगा। Then P and Q का रेजिस्टेंस हो जाएगा R double dash, that is equal to 40 plus 60 is equal to 100 ohm. कितना जाएगा, 100 ohm. ठीक है? Now equivalent resistance हो जाएगा सर्किट का टोटल, that is equal to 110 into 100 divided by 10 plus
100, क्यों? क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस बचेगा दोनों को किसमें जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, एंड पैरेलल के लिए फार्मूला जो है R1 into R2 divided by R1 plus R2, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन हो जाएगा, और ये जो ऊपर 1000 डिवाइडेड बाय 110 0 से 0 कैंसिल, स्टे 100 बाय 11 100 बाय 11 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस नाउ आई के वैल्यू कितना हो गया 100 बाय 11 ठीक है नाउ करेंट करेंट I is equal to V by R equivalent and V is equal to 6. 6 by R equivalent, 100 by 11. ऊपर चले जाएंगे 66 by 100. तो डिवाइड करते हैं तो 0.66 एम्पीयर. मतलब इस पूरे सर्किट में बैटरी से हम जो करंट ड्रॉ करेंगे वो कितना करंट ड्रॉ करेंगे? 0.66 एम्पीयर. क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज विद अ सर्टेन रेजिस्टेंस इज लेफ्ट गैप ऑफ अ स्लाइड वायर मीटर ब्रेस द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स बाय 12.5 ohm, the balance point shifted by 20 cm, find the unknown resistance. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है. देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन है पहला कि with a certain resistance in the left gap of the slide wire, मतलब slide wire meter base का जो left side में जो gap है उसमें certain resistance हमने fit किया है. The balance point is obtained by the resistance of 10 ohm. क्या लेते हैं? 10 ohm is taken out from the resistance box. ठीक है? On the increasing the resistance from the resistance box by 12.5 ohm, the balance point shift by 20 cm from the unknown resistance. ठीक है? Let's say कि यहाँ पे एक gap है, यहाँ पे हमने resistance box connect किया है. यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक वायर हो गया. लेट्स से यहाँ से एक एल्टरनेटर कनेक्ट करके कहीं पे भी एक नल डिफ्लेक्शन मिलता है इस पॉइंट पे, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया एक्स. लेट्स से ये हमारा एक्स है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये हो गया हमारा, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे इसकी जो लेंथ है एल और इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 100 माइनस एल हो जाएगा. फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला आर इज इक्वल टू 10 ओम, देन एट बैलेंस कंडीशन भी क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो. लेट्स से इसका रेजिस्टेंस पी है, इसका रेजिस्टेंस क्यू है, कि जब एल बाय 100 माइनस एल क्या जाएगा, एल बाय 100 माइनस एल, देन एक्स बाय आर इज इक्वल टू 100 सॉरी आर इज इक्वल टू 10 एंड एल बाय 100 माइनस एल, ठीक है. अच्छा ये लेट कर लेते, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा फर्स्ट है. या फिर यहां से एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 एल बाय 100 माइनस एल, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं. नाउ केस सेकंड में क्या कह रहे हैं, केस सेकंड में यह है कि अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक 12.5 ओम का एक रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं, 12.5 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर. मतलब यहां पे द बैलेंस कंडीशन, तो उस कंडीशन में यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस कंडीशन. ये 20 सेंटीमीटर का है, तब ये जो लेंथ हो जाएगा ये आपका जाएगा l माइनस 20 और ये जो लेंथ हो जाएगा ये आपका जाएगा कितना
100 माइनस एल माइनस 20। तो इस कंडीशन में इन केस सेकंड एंड बैलेंस आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। देन एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ठीक है, सेकंड कंडीशन बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, x अपॉन आर इज इक्वल टू p अपॉन q एंड p इज इक्वल टू व्हाट, l माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस l माइनस 20 ठीक है। देन x इज इक्वल x अपॉन r, r का वैल्यू यहां पे सेकंड केस में 12.5 इज इक्वल टू l माइनस 20 डिवाइडेड बाय इसको माइनस में मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, देन 120 माइनस l, 120 माइनस l, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन x इज इक्वल टू l माइनस 20 डिवाइडेड बाय इनटू 12.5 एंड डिवाइडेड बाय 120 माइनस l। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, दोनों में x सेम है तो जब 10 l बाय 100 माइनस l इज इक्वल टू अदिना, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 l माइनस देखिए 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 125 गुना 250 250 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 120 माइनस l, 120 माइनस l क्लियर। नो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे l माइनस ये हो जाएगा आपका 10l स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125l, 100 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2500, फिर l के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12.5l स्क्वायर एंड इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये जाएगा 250l, कितना जाएगा 250l ठीक है। अब इसको सॉल्व करते देखिए, माइनस हाँ से ही इसको दे लिया ना, इन दोनों टर्म्स को उठा के दे जाते हैं तो ये जाएगा माइनस 12.5l स्क्वायर प्लस 10l स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे देन प्लस ये हो जाएगा 375l माइनस, एंड इसको दे लिया जाते हैं तो माइनस का जाएगा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो तो जो माइनस 12.5 l स्क्वायर, अच्छा इसमें से तो माइनस करेंगे तो 2.5 l स्क्वायर माइनस का, अच्छा इसमें से तो माइनस करेंगे 1200 में से 375 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 9 में से 7 गया 2 एंड 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, माइनस का 825 l क्लियर। नाउ और माइनस का 2500 ठीक, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखें 25 2.5 से इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो माइनस का है माइनस, तीनों माइनस है प्लस में जाएगा, देन l स्क्वायर इज इक्वल टू 825 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे पॉइंट हटा देंगे 0 ये जाएगा 25 3 जब 75 82 में से 75 माइनस करेंगे तो आएगा 7 एंड 5 75 तो जाएगा 330 सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स बाय 12.5, मतलब 12.5 जो है इंक्रीज किया जाता है रेजिस्टेंस को ठीक ना, तो इतना प्लस 10 इज इक्वल टू 22.5 ओम हो जाएगा ठीक हो गया, यहाँ पे जो 22.5 ओम
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 0.454 ठीक है, 0 जाएगा, ये जाएगा 450 ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2250 ठीक हो गया। अच्छा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 4545123 एंड इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 एंड इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ठीक है। तब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं ठीक है, इसको उठा के दे लो तो 1200 एल माइनस माइनस 10 एल स्क्वायर और यहां पे इसको उठा के दे लिया तो माइनस का 2250L माइनस का 4500 प्लस का जाएगा प्लस 22.5L स्क्वायर एंड माइनस 450L इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12.5L स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा ये है आपका 12 0 0 में से 5 में से 2 में से 2 1 तो आएगा 1050L और इतना इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1500, कितना जाएगा 1500 ठीक है, इतना ऐड कर देंगे इसमें ये बचा प्लस 4500 इक्वल टू 0 12.5 से इसको डिवाइड कर देना तो इक्वेशन बनेगा एल स्क्वायर माइनस 120L एंड प्लस ये जो 6 है ये जो आपका 36 बराबर 0। और इसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां से L बराबर आपको मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व कर देना, इसका फैक्टर बना देंगे 60 × 60 और 60 + 60 120 P और 120 फिर उसको फैक्टर बनाएंगे तो L इक्वल टू कितना जाएगा आपका 60 आएगा क्लियर। नाउ L का वैल्यू 60 आएगा तो हम X का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे X का वैल्यू रख देंगे, X का वैल्यू इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे देन X इक्वल टू जाएगा 100 माइनस L 60 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60 तो पहले 600 डिवाइडेड बाय 40 जीरो से जीरो कैंसिल तो ये जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 कितना जाएगा 15 तो x का जो वैल्यू है जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है ये कितना जाएगा 15 ओम का क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ था वो आप ठीक कर देना ठीक है क्लियर है। बाकी मीटर ग्रेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दे रखूंगा उसको प्रैक्टिस जरूर करिए, कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।